गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 2 इज व्हाट डू ऑल एसेट्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मींस जो ऑल एसेट्स होते हैं और जो ऑल बेसिस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। मींस क्या होते हैं, अगर मान के चलो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन सेक्शन नंबर 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसेट्स आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। विच लीड्स टू सिमिलरिटी इन ऑल प्रॉपर्टीज, और उनकी जो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है वो भी कैसी होती है, मीन्स लीड्स करती है, मीन्स सेम प्रॉपर्टीज होती है। वी हैव सॉ इन एक्टिविटी नंबर लास्ट एक्टिविटी दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। हमने जो देखा था कि जब मेटल हमारी एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करती है। ठीक है, तो लेट अस परफॉर्म दर एक्टिविटी देन ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो हम लोग इस एक्टिविटी से ये देखेंगे कि जो ऑल भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 2.8। अब एक्टिविटी 2.8 में क्या है, टेक द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मींस हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशन ले सकते हैं, ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार टाइप के सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या कर दी, फिक्स टू नेल्स, यहाँ पे हमने क्या कर दी, दो नेल्स ले ली है, इनको किसके ऊपर फिक्स कर दिया है, हमने कॉर्क के ऊपर फिक्स कर दिया है। ठीक है, प्लेस ऑन द कॉर्क इन 100 ml वीकर, ये वीकर का जो साइज है वो कितना ml का है, 100 ml वीकर है, उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, एक कॉर्क में दो जो नेल्स है उसको फिक्स कर दिया। कनेक्टेड द नेल्स, उन नेल्स को हमने 6 volt की बैटरी, एक बल्ब, वन बल्ब एंड वन स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया, एक 6 volt की बैटरी है, एक बल्ब, एक स्विच है, के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। देन क्या कर दिया हमने, नाउ पॉट सम डाइल्यूट एसिड, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर मैं इसको डिसॉल्व कर दिया। देन स्विच ऑन, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो यहां से क्या हुआ, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होगा तो रिपीट विद डाइल्यूट, मीन इसको हम लोग किस तरीके से, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, उसके बाद एक बार ग्लूकोज एंड वन टाइम्स एल्कोहल। ये सारी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, मीन्स 4 बीकर अगर हम लोग अरेंज करें तो एक में एल्कोहल, सेकंड में ग्लूकोज, थर्ड वन में सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोर्थ वन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने यहाँ पे सिर्फ वन शो किया है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को में डिसॉल्व किया हमने दो नील्स को। तब बल्ब विल स्टार्ट ग्लो इन द केस ऑफ एसिड, मींस जो बोथ द केसेट ऑफ एसिड, मींस सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ द केसेस में क्या जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है। क्या रीजन है बल्ब ग्लो करने का, तो बल्ब ग्लो करने का रीजन है, यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या होता है, जब भी हमारे जो मेटल होती है जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, वहां पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, और मींस एसिड क्या होते हैं, एसिड के केस में जब भी एसिड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एसिड किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज एज वेल एज जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्या रीजन है, ऑयल डू नॉट ग्लोइंग द बल्ब, और ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज से बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी पार्ट होगी पास होगी तो ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब भी बल्ब ग्लो करेगा इससे हमको पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय दिस आयन। क्योंकि हमारे जब भी यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, जो भी एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। अब हमको पता है कि जो एसिड होते हैं उनमें कंटेन क्या प्रेजेंट होता है, एच प्लस आयन एज ए कैटायन एंड एनायन सच एज सीएल नेगेटिव, एच सी एल नेगेटिव। जैसे एच सी एल में हम लोग अगर आयंस देखें, जैसे हम लोग यहाँ पे एच सी एल में देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एच सी एल है तो इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, एच सी एल में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या होता है, एनओ थ्री नेगेटिव
इन HNO3, HNO3 में क्या नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव, HNO3 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में S पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो NCH3COOH में CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, सिंस दैट द कैटायन प्रेजेंट इन एसिडिक एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं इनमें कैटायन प्रेजेंस होते हैं, द सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जितने भी एसिड्स होते हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर H प्लस इन द सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, मीन जिस भी सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंस होते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। जिस तरीके सेम हम लोग क्या करते हैं, इसी एक्टिविटी को बेसिस के साथ सॉल्व करते हैं। बेसिस क्या होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्सियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, यू कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम रिजल्ट दीज आर एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को हम लोग बेस सॉल्यूशन के साथ भी कर सकते हैं। बेसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव आयन्स देते हैं, लेकिन जो एसिड होते हैं वो एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग एक और एक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा, इसी में देख सकते हैं कि जैसे आयन्स होते हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी डिसोसिएट होगा तो ये एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब भी आयन मिलेगा मीन्स 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके इस तरीके से HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड जब भी डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। इसी तरीके से CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, और जब भी एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा मीन्स CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है, और जब भी ये डिसोसिएट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेंगे, ऑल द केसेस में हमको H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं। और H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एसिड होते हैं जब भी उनको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो हमेशा H प्लस आयन प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, जो बेसिस होते हैं उनका भी देख लेते हैं हम लोग। बेसिस का केस क्या होता है कि जैसे कि NaOH, तो जब भी हम लोग NaO से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। CaOH ट्वाइस मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव OH 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग और भी ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। और भी एक और देख सकते हैं कि जैसे MgOH ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या होता है Mg2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव ये आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जितने भी जब भी बेसिस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं इन ऑल द केसेस। ऑल द केसेस में जो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी होंगे जब भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हम उसके आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं और वो बेसिस होते हैं उनमें क्या होती है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड में एच प्लस प्रॉपर्टी आयन्स की प्रॉपर्टी होती है, और जो बेसिस होते हैं उनमें ओ एच नेगेटिव आयन्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।